इसे नाम डालते हैं, इस पे ई-कॉमर्स डालते हैं। ये अपने वेबसाइट का टाइटल हुआ, इसको अपन करते हैं लाइव। ये आप देख सकते हैं, ये नाम आ गया अपने ई कॉमर्स। यहाँ से बनाते हैं अपन जो आपको मैंने बताया था ऑलरेडी। इसके अंदर अपन नेप लेंगे, नेप के अंदर बनाएंगे अपन नेपा। इसको लेंगे डिप के अंदर, आप देख सकते हैं ये ऐसे आ गया। लाएंगे डिप में ग्लास, स्टाइल में बन आगे करेंगे। सबसे पहले ये स्टार्ट लगा के मार्जिन करेंगे 0, पैडिंग करेंगे 0। सारी जगह पे अपना ये मार्जिन पैडिंग हटी जाएगी। यहाँ होगा नेपबार डॉट नेपबार, जो अपनी क्लास का नाम है। डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट डिस्प्ले स्टेटमेंट, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे अपन ने स्टाइल को अपनी ऐड करना पड़ेगा। स्टाइल ऐड करने के लिए होती है लिंक, यहाँ पर लगाएंगे स्टाइल डॉट सी एस एस। ये आप देख सकते हैं नेव के अंदर भी अगर क्लास देते हैं देते हैं, इसी क्लास में करते हैं। बैकग्राउंड कलर एलिस ब्लू, ये आप कलर दे सकते हैं। ये अपने अकॉर्डिंग अपन चेंज कर सकते हैं, जैसे बंद को रखना है दूसरा। अभी कोई भी रख लेते हैं, फिर बाद में भी चेंज कर लेंगे। तो ये अंडरलाइन आ रही है, इसको हटाने के लिए क्लास रहती है टेस्ट डेकोरेशन नन। फॉन्ट को करेंगे अपन बोल्ड, फॉन्ट वेट बोल्ड, ये आप देख सकते हैं बोल्ड हो गया। सो कलर चेंज करने के लिए रहता है कलर, ये सकते हैं ब्लैक कलर अपने कर दिया। स्पेस बिटवीन से हटा के करते हैं स्पेस, ये एंड में आ चुका है। यहाँ पे देते अपन मार्जिन, मार्जिन लेफ्ट 10 px, आप देख सकते हैं बीच में आ गया स्पेस। इसकी देते हैं अपन हाइट नेप बार में 20 px, ये नेप बार की हाइट आप देख सकते हैं बढ़ रही है। यहाँ पे आप जैसे किसी पर्टिकुलर इमेज लगाने पर इसकी हाइट बढ़ाते हैं, क्योंकि 50 px करेंगे। आइटम सेंटर से आइटम जितने हैं सारे सेंटर में आ जाएंगे। इसको मार्जिन लेफ्ट से हटा के मार्जिन करना पड़ेगा, इस सारे और 10 px का मार्जिन ले लेगा। यहाँ पे एक कोई बुलाते हैं अपन आइकन, इसको फाइंड करने के लिए आइकन के लिए
यहाँ पे लगाइए एक इमेज। हाँ बनाते हैं। इसके अंदर लाएंगे इमेज, इमेज में लेते हैं कोई इमेज। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी बना सकते हैं। सिंपल एग्जांपल के लिए लेते हैं ये, इसके इमेज को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। डी डॉट रिमूवर ये होता है बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए, वो बैकग्राउंड। यहाँ पर अपनी इमेज अपलोड करेंगे जो अपने लोगों के लिए लिए। इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देगी, देख सकते हैं। यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करेंगे अपनी इमेज हो चुकी है डाउनलोड, यहाँ जाके इसको यहाँ इसका हम नेम चेंज करते हैं, लोगो ये डाल देते हैं। इस इमेज को उठा के अपने कोड में रखते हैं। सबसे अच्छा तरीका है इसका एक फोल्डर बनाना, इस इमेज को उठा के यहाँ डाल दो। आगे नेम चेंज कर देते हैं, यहाँ डालते हैं इमेज के लिए लोगो डॉट पीएनजी। आप देख सकते हैं इसके अंदर लेना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा सब बात। ये भी इसके बाहर आ रहा है, इसका हाइड एंड विड्थ सेट करना पड़ेगा अपन को। जैसे देखो हाइट 23x, नॉट सफिशिएंट है। इसमें एक क्लास देते हैं क्लास वो आई एन डी, इसमें लगाते हैं इसकी हाइट अपन यहाँ से सेट हो जाती है 70 पे। इसको यहाँ पर लेफ्ट में राइट में अपन को इसके लिए ट्रांस स्ट्रिप के अंदर भी टिप लेते हैं।
अच्छा हेलो हेलो ये आप देख सकते हैं, सब में स्पेस इक्वली हो चुका है। अब काम होता है यहाँ से स्टार्ट होने का। इंडेक्स स्प्राइडर कंप्लीट, उसके बाद होता है बॉडी में काम स्टार्ट होते हैं। बॉडी में स्टार्ट होते हैं ना सेक्शन, इसमें लगाते हैं जैसे कि एक इमेज। तो ये कैमरे उठाते हैं, राइट, ये पिक्चर उठाते हैं सारी इमेजेस। इससे प्लैग नहीं, प्री पिक्स उठाने से एक भी प्लैग नहीं आता इमेजेस में। जैसे ये इमेज नहीं होती, आप देख सकते हैं यहाँ इमेज, उसकी हाइट वेट अपन सेट करते हैं। आप इंस्पेक्ट में जाके यहाँ से आप खुद देख सकते हैं इसकी हाइट वेट कितनी रखना है। इसकी अपनी नॉइज वेट अपने अकॉर्डिंग एक्स बैकग्राउंड साइड रिफ्लेक्स हो जाएगी हाइट को तो मिलता है। क्लास होते हैं हाइड्रोबेट फिक्स हो चुकी है। इससे होम जगह सेक्शन लग चुका है, इसके नीचे भी अपन कर और भी वर्क करते हैं, जैसे कि एक होता जो भी क्लास
ये आप देख सकते हैं, मर्क्यू टैग यूज होता है इसके लिए। लाइक अपन फायर बंद लगा दिया, फायर लगा दिया। चैट जीपीटी से आप कंटेंट निकाल सकते हैं। चैट जीपीटी या आप लॉरम डेटा भी यूज कर सकते हैं। जैसे लॉरम डेटा आप देख सकते हैं जो अपने डाला है। अब इनको अपन लिंक करते हैं सारे पेजेस को। अपन ने बना लिया, होम हो गया, प्लॉट डॉट एचटीएमएल, कंटेंट डॉट एचटीएमएल, इनके अपना लॉगिन डॉट एचटीएमएल। यहाँ पर पेंट डाल देते टमी के लिए। अंदर ये बने सारे पेजेस भी बना लिए। अब एक एक करके सब में ऐड करते हैं। जैसे कि ये हो गया इंडेक्स पेज, ये हुआ अबाउट पेज, ये एचआरएफ में आप पेज की लिंक डालते हैं। तो उसको कहें नेविगेशन जहाँ कराना होता है अपन को, कॉन्टेक्ट और ये लॉग इन। आपको मैं अभी सेपरेट हेडर बनाना भी सिखाऊंगा, अभी पहले सबको अलग अलग बना दूँ। जाओ उस पर क्लिक करेंगे, आप ये देख सकते हैं नीचे के नीचे की तरफ अवार्ड डॉट एचटीएमएल दिखा रहा है यहाँ पर। इस पर क्लिक करने पे ये अवार्ड डॉट एचटीएमएल पेज पे नेविगेशन करा रहा है, ये शॉप पर करा रहा है, देख सकते हैं आप।
इसकी सारे नेविगेशन हो चुके हैं, इसकी डिजाइनिंग बाकी है, जबकि डिजाइनिंग करना है क्या करके। आजकल के मैं कॉफी कभी क्यों अरे ये ओवर हो चुका है, ये ओवर का कोड है। जैसे जितना एंकर टैग है ना इंडेक्स में, ये जब यूजर इस पे क्लिक करेगा तो ये व्हाइट कलर का हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो ओवर करेगा तो थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़वा देते हैं ओवर पे, ये जो भी करना है इसके अंदर। अच्छा ठीक है, सेम ऐसे इमेज पे होता है, इमेज पे करने के लिए ओवर हो जाएगा। और आपको एक मिनट, और सेक्शन क्या आप लिंक से भी इमेज को यूज कर सकते हैं। तो ये इमेज को लिंक लिए एसएससी के अंदर, ये दे सकते हैं कार्ड के अंदर बन गया। इसके हाइट वेट अपन सेट करते हैं, इसका हम जैसे कि अच्छा ठीक
धन्यवाद। हेलो हेलो तो आप कॉपी कर सकते हैं जी कार्ड को, ये अपने ही कार्ड है, इससे अपने प्रोडक्ट ज़्यादा दिखेंगे। जैसे अभी एक ही प्रोडक्ट है, मल्टी टाइम कर सकेंगे, मल्टी बार दिखेंगे। डिस्प्ले फ्लैश वगैरह लगा के वो ऐसे कर सकते हैं। मार्केट ये आप देख सकते हैं कार्ड अपने, अरे रहेगा अभी तो ये आप देख सकते हैं, अभी अपने कार्ड सारे यहाँ जा रहे थे, और ब्रैक लेफ्ट ब्रैक से ये वाली प्रॉपर्टी जिसकी प्रॉपर्टी थी सारे आ गए, जितने कार्ड करेंगे नीचे आएंगे फाइव के बाद, और अकॉर्डिंग टू हाइट और वेट। ये आप कंटेंट डाल सकते हैं इसके अंदर, इससे रिलेटेड जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट डालेंगे अपन, इससे रिलेटेड कंटेंट उसमें अपन बटन वगैरह ला सकते हैं। देख सकते हो बटन लगाते हैं, ये आप कलर चेंज कर सकते हैं।
हाँ चेंज कर सकते हैं, इसका कलर चेंज करके। व्हाइट से करते हैं ब्लू। लेडीज स्कूटी आइसक्रीम ना मेरे पे भी देता हूँ ना, इसका बंद पैटर्न नहीं रुके। आप दे सकते हैं इसका सारा डेटा अपन इसमें ही साथ में लगा सकते हैं। ये टॉप और बॉटम में 20 PX लेगा और मार्जिन ऑटो से। आप लोग इतना बनाओ, इसमें अपन बॉर्डर भी दे सकते हैं, बॉर्डर डिटेल्स वगैरह इमेजेस में जो आपको मैंने कल बताया था, इसका भी अपन कर सकते हैं। इसका तो करते हैं इसी की अपना बॉर्डर रेडियस करते हैं 5 PX, ये देख सकते हैं 5 PX से राउंड राउंड सर्कल में हो चुका है। इसको बटन ओवर भी लगा सकते हैं, ओवर करने पे लगता है। बस तो ओवर करेंगे, कलर नहीं बैकग्राउंड ब्लर करने वाले को बैकग्राउंड थोड़ा इसे येलो करते हैं, चूंकि रिफ्रेश देख सकते हैं। जैसे ओवर करेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा येलो।
अपने अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं। अब आ रही है आवाज, आने लगी। जैसे इमेज कार्ड को होवर करना है तो उस पर भी कर सकते हैं, जैसे कि इसमें लगाते हैं अपन इमेज कार्ड इसको हाइड करते हैं अपन 700x। देख सकते हैं आप इमेज की हाइट बढ़ रही है इंक्रीज करने पे। इतना ओवर जिस इमेज पर आप क्लिक करेंगे उसकी हाइट बढ़ जाएगी। अपन और भी इसमें डिजाइन डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसको देखिए कि अपन करते हैं 300px। ये देख सकते हैं आप अपने हिसाब से इसमें डिजाइन लगा सकते हैं होवर पे। इसमें अपन जैसे कि लगाते हैं शैडो बैकग्राउंड शैडो करके देखते हैं बॉक्स वाले बॉक्स शैडो आप दे सकते हैं 20 10 अपन सब पे दे सकते हैं ऐसे सेम 2px 1px 3px 1px आप देख सकते हैं इमेज पे अपन ने क्वार्टर रिलीज दे दिया है। इससे इमेज अलग दिखेगी अपनी। इस पे भी अपने ओवर लगाया था, इस पे भी ओवर लगाए। इसके अपन बॉर्डर का रेडियस कम करते हैं। ये बॉर्डर रेडियस करते हैं अपन 10px 10px करने पे ये होगा अपना, ठीक है इस टाइप का। ये सेम चीज अपनी शॉप के अंदर भी अपन को रखना है, ये अपना होम पेज पे भी सारा। जब व्यू मोर पे क्लिक करेगा तो वो शॉप पे पहुंचेगा, इसको अपन को करना पड़ेगा नेविगेशन। ये भी करेंगे इसको, पहले और देखते हैं इसको ट्रेनिंग किस कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं इसमें। हम व्यू मोर का बटन हो गया, इसको अपन सेंटर में लाते हैं। सेंटर में लिया, इसको देखना पड़ेगा सेंटर के लिए। सेंटर लेते हैं, आप इंस्पेक्ट में जाके देख सकते हैं कौन सी क्लास फॉर करेगी। अब जैसे हैं अपने सेंटर में रख दिया है,
यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑफर लगाने के लिए लगा सकते हैं, कोई भी कुछ भी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे वो लगाया अपन ने नीचे वाले फुटर सेक्शन। ऐसे क्या तुरंत दिख रहा है ये 20 पीछे ये कर रहा है 30 का 20 का दे सकते हैं। ये फुटर के लिए अपन ने सेक्शन में डाल लिया है, सारा फुटर का रखते हैं अपन। एड्रेस एड्रेस Gracias.
अच्छा निकलेगा तो जो प्रोजेक्ट था वो तो बाद में चल जाएगा। लेट्स कर दैट इसको नेविगेशन भी करा सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे इमेज भी अपन सेट कर सकते हैं, यहाँ से अपन ने ये इमेज यहाँ लगाई है, यहाँ पे अपन इमेज लगा सकते हैं। उसके अंदर इमेज लगाते हैं सेक्शन में, यहाँ पे क्वालिटी
ये बता बस इतना करना है कि एक बार एक टीम को ऐसे और करते हैं एसयूवी में मेरा और लोग साथ में रहते हैं आज ये तो रहा अब आउट जो कुछ सिलेक्शन है इसकी तो एमपी के एमपी काम कर रहा है एमपी में जाकर एसयूवी में जाकर एमपी काम कर कोई लिंक ब्रेक ही तो नहीं है हमने चेंज कराया है। मैंने एक पूरा फिक्स करा, पहले सब सारे पेजेस के अलग अलग थे, अभी हमने कुछ टाइम पहले एक बनाया है सबको वही लिंक कराया। कुछ कुछ पेजेस हो सकते हैं वो रह रहे हों, तो ये पेजेस बहुत सारे हैं जब तक हमने ना पहले अलग अलग हेडर बनाया है सबको वही लिंक कराया। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ इसको को करने को भी जाओ ये ऑफिस का काम है तो और 33 कर दे ना देना तो दे अपना फुटर सेशन लगभग कंप्लीट, बाकी और डिटेल्स अपन को ऐड करना अपन कर सकते हैं। इस फुटर सेशन को अपन उठा के सब में लगा सकते हैं। ये फोटो उठाया अपन ने सारे पेजेस में अपन फोटो लगा सकते हैं। यस सर। हाँ बोलिए। हेलो। आ हाँ सर आ रही है। रही है। कोई इशू है? हाँ आपने होवर वगैरह देखा आज? इतना करके देखिए बताइए कोई इशू आया तो। क्या अपन व्यू मोर करके इसका डिटेल्स पेज बनाएंगे? आवाज आ रही है सबको? आ रही है सर, आ रही है, आ रही है। इतना करके देखिए, उसके बाद अपन बनाएंगे कल उसका डिटेल पेज। करके देखिए, इतना करके देखिए, कोई एरर आया तो बताइए, करते हैं आगे। ओके लीव कर दे सर, क्या लीव कर दे? लीव बिल्कुल, ये रुक जाइए अभी। वीडियो बना